ट्रैवलिंग के शौकीन तो हम सब होते हैं और खाने पीने के भी, मोस्टली कपड़े पहनने के भी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा हमें घूमना और खाना पीना पसंद है। आपको क्या पसंद है इन सब में से, बताना ज़रा कमेंट करके। फ़िलहाल मैं आई हूँ बीर। बीर में मैं आपको आज के व्लॉग में 5 ऐसे कैफ़ेज दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आपको यूनिक तरह का फूड मिलेगा। लेट्स गो। तो हम आ गए हैं यहाँ के सबसे पहले कैफ़े में, और ये है यहाँ का सबसे बेस्ट कैफ़े। सो आई से यहाँ पे आके आपको ट्रिपी वाइब फील होगी, एंड दे हैव यहाँ की लोकल यू नो डिशेस जिसको आप देख सकते हैं मेरे सामने। सो दिस इज एक्चुअली द मेन्यू ऑफ दिस प्लेस। आप दूसरी चीज़ यहाँ देखोगे जो यहाँ पे पूरी खेती बाड़ी होती है वो मेरे पीछे होती है, मतलब यहाँ पे लोकल लोग मतलब आके पूरा ऑर्गेनिक फूड यू नो बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या, लेडीज स्टाफ वर्किंग है, अंदर 3 लेडीज़ किचन में इस वक्त काम कर रही हैं, एंड यू नो इनका अपना मतलब एक टाइप का होम मेड फूड है। चाहे मोमोज तक खा रहे हो, दे आर ऑल्सो लाइक देयर सेल्फ मेड मोमोज विद देयर ओन हैंड्स। मतलब आपको एक बीर के टेस्ट का अलग जायका आएगा। लेट्स जस्ट गो इनसाइड। इवन दे हैव वेरी क्रिपी एरिया टू सिट टू एंजॉय द वाइब्स विद द बॉनफायर, इवन इफ यू आर अ बॉनफायर लवर। एंड आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल करके यूज़ करी हुई है, जैसे कि टायर, गाड़ी के साइड्स मतलब जैसे गेट्स एंड ऑल जो बहुत पुराने होते हैं। सो यू नो पता है मेरे को बहुत अच्छी बात सुनने में आई, दैट दे मेक द फ्यूजन फूड, और मैंने तंदूरी पास्ता ऑर्डर किया बिकॉज ऑफ हर सजेशन, क्योंकि वो कुछ अलग तरह के से बनाते हैं। क्या बता रहे थे आप? सो सी आई थॉट विद स्टार्टिंग दिस कैफे इज देयर शुड बी समथिंग पहाड़ी एंड समथिंग मॉडर्न। सो वी इन्फ्यूज द फ्लेवर्स ऑफ पहाड़ विच इज द माउंटेन्स। यहाँ पे लोकल तुलसी, लोकल पुदीना और ऐसे ना लोकल साग वाग उगता है। अच्छा। तो हम लोग उसको मिक्स करके वी ब्लेंडेड इन द फॉर्म ऑफ पास्ता एंड देन वी कुक इट से इन अ हॉट मड पॉट। वाओ, मतलब हॉट मड पॉट, वाओ, दैट्स जो मिट्टी, हाँ मैं मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो मैं तो ऑलरेडी गुड कोल एंड मड फ्लेवर। वाओ, एंड दैट्स हाउ वी मेक द तंदूरी पास्ता। So this is actually the second cafe and this is all based on mafia theme. So कौन कौन मेरे को देखने वाला mafia है? I'm just kidding. Let's go for them. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने गाना सुना है वो मैडोना का, नहीं है ब्रिटनी का, मामा आई एम लव विद द क्रिमिनल। सो दिस मेज ऑन द माफिया थीम, आशीष वॉन्टेड है फिर ऊपर इनाम है तो कितने डॉलर को बहुत बहुत मजा आ जाएगा। फ्रॉम हेयर वेन यू एंटर, तो आप यहाँ से सेकेंड फ्लोर पे जाते हो कैफे के। माय गॉड, लेट्स गो टू सेकेंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर, नॉट सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर गाइस। माय गॉड, इट्स प्रीटी कूल। आपको पड़ेगा मेन रोड पे ही, जब आप बीर के मेन रोड पर होगे ना तो यू विल फाइंड इट। गार्लिक बेट स्टेक, ठीक है मैंने अभी इसको पैक करवा दिया, इट्स टू मच टू हैवी फॉर मी, एंड ये यहाँ की सेल्फ मेड है एंड आई एम गोना ट्राई इट। इसी ने दुनिया का सारा बॉल उठाया हुआ गाइस। ये इनका किचन है मेरे पीछे। मतलब हाउ मच यू वॉन्ट टू रेट दिस प्लेस? वैसे प्लेस में वाइब तो है बट कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5? टुडे इज आवर फर्स्ट डे एंड वी हैव एक्सपीरियंस पैराग्लाइडिंग, सो आई विल बी अटेंडिंग
एट दिस कैफे? गुड वाइब. फूड, हाउ इज द फूड? नाइस. हाउ वाज इट फॉर यू? नाइस. सो गाइस, ये लोग नाइस बोल रहे हैं, अगर कैमरे तक आवाज नहीं पहुंच रही तो. सो द थर्ड कैफे इज़ अ नदन कैफे, जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट मिलेगा इवनिंग का व्यू. जब आप ऊपर की तरफ बैठोगे तो आपको बहुत सुंदर सनसेट दिखेगा. वैसे एक रिव्यू ऐड करना चाहूँगी, लोगों की जो सर्विस है वो थोड़ी सी पुअर है. दे डोंट एंटरटेन मच, सो यू हैव टू बी योर ओन रिस्क. पर ये जगह सुंदर है यार. मैं सिर्फ ये जगह और ये वाइब के चक्कर में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी वाइब तो मैं दूर दूर तक किसी और कैफ़े में नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू रिमूव शूज़ इफ़ यू आर कमिंग अपसाइड, आई मीन अपस्टेयर्स, एंड हियर इज़ द व्यू. हेलो गाइस. सो उस जगह पे कहीं पैराग्लाइडिंग का पॉइंट है, exactly वहाँ पे. एंड दिस इज द इंसेक्ट सिटिंग एरिया. आई कैन ट्रीट द फूड बिकॉज मैं यहाँ कुछ ट्राई नहीं करा, एज देर वॉज नो वन टू, मतलब क्योंकि लोग थे, बट आई वॉज वेटिंग फॉर दी मैनेजर टू आस्क फ्यू थिंग्स एंड इट टुक एक्चुअली टाइम बहुत सारा. दिस इज एक्चुअली द फोर्थ कैफे विच आई लव्ड इट एंड द फूड इज ऑल्सो गुड. यहाँ का पिज्ज़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए. पता है अगर आप इस एरिया आ रहे हो ना, ये वाले कैफे, दिस इज़ अ लास्ट कैफे इस रो में जहाँ पे बीर की पैराग्लाइडिंग की मतलब जहाँ पे लैंड जो होती है, जहाँ पे लोग लैंडिंग करते हैं, लैंड जो होती है जहाँ पे लोग लैंडिंग करते हैं एक्चुअली. एंड दे हैव अ वेरी ह्यूज सिटिंग एरिया एक्चुअली. इनका सिर्फ इतना सिटिंग एरिया नहीं है, इनका अपस्टेयर भी सिटिंग एरिया है. दे हैव ऑल दी वेराइटीज़ ऑफ फूड. And you can check the menu as well as जो भी आप में हो, मतलब आज कवर कर रही हूँ, यू कैन चेक एवरी मेन्यू ऑन गूगल मैप्स इफ आई हैव मिस सम मेन्यू. क्योंकि अगर आप मेन्यू चेक करना चाहते हैं, आपको आज के टाइम पे गूगल मैप्स पे मेन्यू आराम से मिल जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट पे. तो आप रेट चेक करके, डेट जो होते हैं एक दूसरे से मतलब मैच करके, अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी रेस्टोरेंट जा सकते हो. एंड दे हैव दी अनदर सिटिंग एरिया, यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता है. आई विल शो यू द एरिया जो मेरे राइट साइड पे है पूरा. And this is the all the sitting area with the live music. और मेरे इस तरफ बिल्कुल पूरा रिसाइकल काइंड ऑफ यू नो टायर्स एंड ऑल. मतलब मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं पहाड़ी में आती हूँ ना, यू विल फाइंड ऑल द रिसाइकल मटीरियल. लोग टायर्स का कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओल्ड साइकिल्स एंड और क्या यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में बताओ, मैं मिस कर. इज़ अ ह्यूज सिटिंग एरिया जैसे कि मैं बता चुकी हूँ. यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है नीचे की तरफ. अच्छा अभी भैया साफ. And obviously you can find the live music singing right here. This is the brand area. So most days यहाँ पर live bands चलते हैं. Even कल रात को when I came here for a cup of coffee, यहाँ पर तब भी live band चल रहा था. Coffee beans है मैम. So guys, हम already coffee beans डाल चुके थे. Now coffee bean का powder roast होकर आया है. हमने पाउडर डाला है. आज मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी यहाँ पर. एंड दे मतलब यू नो दे मशीन्स के लावन की स्पेशलिटी है कि यू नो ही मेक्स वेरी गुड. आप बनाते हो ना खाना यहाँ पे, और ही इज़ अ मैनेजर ऑल्सो यहाँ का. कप को गर्म करना पड़ता है. अच्छा, कप को गर्म करना पड़ता है. अच्छा, आज ठंड है जैसा कि, इसलिए हमने कप को गर्म किया. मतलब लोग कॉफ़ी बनाते हुए क्या इतना नोटिस करते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों को. हम कप में डाल रहे हैं कॉफ़ी. आई एम द मोर कॉफ़ी लवर, सो मेरे को तो ये प्रोसेस बहुत सेक्सी लगता है. आपको डिज़ाइंस बनाने आते हैं? हाँ जी. अरे हार्ट तो सबसे कॉमन है यार. आई एम गोना ट्राई दिस वन. जब मैंने बोला हार्ट बहुत कॉमन है, भैया ने मुझे दूसरा डिज़ाइन भी बना के दिखाया, और भैया ने बताया कि उनको बहुत सारे अमेजिंग डिज़ाइन बनाने आते हैं. थोड़ा दिल बिगाड़ दिया गाइस. मॉर्निंग विद द कॉफी. सो
my brother and I bought at this ice cream tree. It's pretty. Ek se plate padega. Kya? Ek se plate padega. It's tasty hai. It's bloody tasty. Oh my god, you're going to change my taste. So, which I loved yahan pe, the cafe. It's a fifth cafe of the time. Hello, how are you? She's one of my known. और किसको ये पसंद बताइए क्या है कमेंट करके बताओ व्हाट इज दिस हेलो दे आर माय फ्रेंड्स एक्चुअली सो आई मैं इनको लेकर आई एज अ कस्टमर सो वी हैव द स्पेस हियर जहाँ पे अराउंड कितना लोग यहाँ पे आ जाते हैं अराउंड 10 to 12 सो यू आर द मैनेजर यू आर द मैनेजर मेरा Hi Pushkar. Let's show you upstairs, but usse pehle I'll show you the menu of this place. So here we go. So there is a very interesting thing. Unhone mujhe batai about this place. Obviously, Kina, why its name is Moonshine? So there's a story. Five years back, there's a story. पहले हमारा ऊपर वाला एरिया नहीं होता था अच्छा तो ये बैक साइड में जो एरिया है ओके दैट वन पे बैठ के हां फुल मून था माफ़ून तो इसलिए फुल मून के नाम पे मूनशाइन मैडनेस और एक और चीज उन्होंने मुझे कि डॉन टाइम पे ये बहुत डॉन टाइम पे सनसेट सनसेट में बहुत प्यारा दिखता है ऊपर से पीछे से भी ऊपर से भी बिल्कुल अपस्टेयर्स हम ऊपर बैठेंगे फिर अपर एरिया ऑफ दिस प्लेस एंड यहाँ पे बहुत बड़ा सिटिंग एरिया है सो दिस इज समथिंग द बालकनी आई टोटली लव द एरिया लुक एट दिस ये क्या कहते हैं हम इसको हम कहते क्या है इसको बेसिकली आई थिंक झालर झालर ही कहते हैं ना मैं इंग्लिश वर्ड ढूंढ रही हूँ सो दिस इज एक्चुअली हिंदी वर्ड इज झालर विच लुक्स गुड एंड यहाँ से आपको व्यू दिखेगा भीड़ की सड़कों का फिलहाल मैं आपको इनको एरिया दिखाती हूँ दे हैव मेंटेन्ड इट लाइक नीचे बैठने का एरिया एंड इफ समबडी वॉन्ट्स डोंट पी आउटसाइड 10,000 लोग ऐसा भी करते हैं ओ एम जी लोग ऐसा भी करते हैं सो आई एम विद द मून शाइन मैडनेस कैफे एंड लाउंज यहाँ पे एंड दिस वुड बी द लास्ट लोकेशन फॉर द डे आप क्या ट्राई करोगे तो वी हैव गॉट द पास्ता वाइट सॉस और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं मूनशाइन में बैठी हुई हूँ एंड उसके अलावा वी हैव मोहितो विद अस बनाइए सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वी हैव द बीन्स इट्स अ चीज एंड उसके अलावा देर आर वेजेस और उसके इसके अंदर एक्चुअली बता दिस इज सो मच क्वान्टिटी लाइक एंड इवन दिस इज एक्चुअली लुकिंग एज अ वेरी क्वालिटी फूड और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आस पास गाइस चाहे जितना मैं तेज बोलूँ बहुत सारे लोग आपको आवाज़ सुनाई दे रही होंगी आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट एंड आई टोटली लव दिस ब्लैक ऑलिव्स So let's have the taste and I'll let you know ki pasta kaisa hai. Shall you start? How is it? Go ahead. Very cheesy. So it's a kind of the flavor, it's good, it's bad, average. Kya rate doge 1 to 5 mein? 1 to 5 mein no. Out of 10 I think 7. Out of 10. Chal theek hai. 7.5 is actually perfect. Biggest यहाँ पे क्या इसमें क्या है कि they have the zaika, they have the taste, but missing भी कुछ नहीं है But again, this is something very cheesy. So yeah, I will not say मुझे पसंद नहीं आया I liked it a lot. But again, मुझे ऐसा लगता है पास्ता ना बहुत खा लिया लाइफ में But you come yourself and try their food.